अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, मैं हूँ मोहम्मद हमदा सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिनी जू। तो दोस्तों, आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलते हैं एक मज़ेदार वीडियो की ओर। तो आज का कुछ सीन अच्छा बनने वाला है। तो सुबह का टाइम है तो आपने जाना कहीं नहीं है, मेरी पूरी वीडियो देखनी है। चलते हैं मज़ेदार वीडियो की ओर। पर तो गोजा अब्दुलरहमान ने यार क्या करें इसको, अभी ये दगोदा भी पूरा नहीं बचा। ये इधर ही रख देता हूँ अभी। तो कुछ ये लेके आया था, सब्जियाँ वगैरह काटी थी और मुर्गियाँ ये ठहरी हैं। मेरे ख्याल से इसने अभी अंडा दे दिया होगा। पहले वीडियो में स्किप में देखा है ना कि वो अंडा दे रही थी, नहीं थी तो वो उसके अंदर थी, अभी अंडा दे दिया होगा। तो अभी इनको रहने देते हैं, इनको खोलते हैं। इधर ये है, रात को बिल्ली वगैरह आती है इनके सर पर, तो इस वजह से बंद कर देता हूँ। तो ये ले, माशाल्लाह वो वाली फ़ीमेल ने कल की वीडियो आपने देखी होगी, अंडे दे दिए हैं, दो अंडे हैं। तो ये उसका अभी बच्चा है, अभी बच्चा है अभी था। तो ये इसका मेल है और ये देने बैठे हैं दोनों बर्ड्स। इसने अभी तक अंडा नहीं दिया, जगह भी बना के बैठी है लेकिन अंडे नहीं दिए। और ये वाले मेल को हमने कल छोड़ दिया था, ये वाले को, ये अंदर बैठा है। अभी ये आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता है। तो अभी इनको बाहर निकालते हैं, आने देते हैं, तो उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो ये जब तक बाहर आते हैं, इनको अभी नहीं खोलता, ये जब तक आते हैं तो इधर दाने डाल देता हूँ ताकि ये दाने खा पी लें। तो ये एक और ये दो और ये तीन, तो तीन मैंने मुक्के अपनी डाल दिया इसे, तो पानी भी भर रखता। थोड़ा सा टूटी का मुंह टेढ़ा है ना, ये लो। तो अभी फुल हो गई है ये, पानी भी भर के रख दिया है। तो ये दाना पानी खा पी लें, तो तब तक आपको इनके ये वाली के अंडे दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं इन दोनों के अंडे। अभी तो ये देखें, इसके ऊपर जो इसका अंडे का छिलका होता है वो भी अभी ताज़ा है, मतलब मोटा नहीं है। अभी यहीं से मुझे नज़र आ रहा है अंडा अंदर से। तो ये वाली बैठी है अभी, इसने अंडे दिए तो नहीं है, नहीं दिया। मैंने कहा अंडा उतरा होगा लेकिन नहीं उतरा। तो ये है माशाल्लाह, और ये ठहरे हैं सुबह से बाहर आने के लिए लेकिन इनको आने नहीं देता, तो ठहरे रहे अभी तक। वो कबूतर खा पी लें फिर बाहर आने दूंगा इनको, अभी नहीं आने देता। और ये वाला हमारा मेल कल ही आज़ाद कर दिया था, तो ये अभी कहीं नहीं जाता। इसको इसने अभी यही इसको अपना घर मान लिया है, मतलब यही इसका परिवार वगैरह है। और ना ये वाला ब्लैक इसको मर है अभी, तो मेरे ख्याल से नहीं नहीं ठीक है। मैंने कहा इसकी आँख पे मारा है, शायद इसकी आँख ख़राब ना हो जाए। इस बेचारे को मारते हैं जब तक ये एक दो माह के बाद ये फिर सही हो जाएगा, लेकिन अभी बड़ा इसको सब ही मारते हैं इस बेचारे को। माशाल्लाह कुछ ऐसा सीन है छत पे। और हमारे पास अभी चार टोटल बर्ड्स ये वाले बड़े आगे बचे हैं, चार नहीं पांच, सॉरी एक वो अंदर है, वो तो मुझे अभी नज़र आई है, पांच आके बच्चे हैं, एक दो तीन चार पांच।
तो इनकी अभी एक ब्लैक फीमेल लेंगे, ब्लैक को कोई भी असील लेंगे असील, तो हमारे पास तीन हो जाएंगे, एक ये दो और वो तो देसी है, वो भी देसी है, तो ये तीन हो जाएंगे, तो माशाल्लाह फिर अंडे और अच्छे हम अंडे बच्चे खाएंगे। तो वो जब पकड़ा था ना उस वक्त वो ऐसे ऐसा था, ऐसा ये जैसे बैठा है ये वाला, तो इतने के बराबर था, बच्चा था माशाल्लाह। अभी वो बड़ा यहीं से मुझे नज़र आ रहा है कि वो बड़ा कबूतर नज़र आ रहा है। तो इन दोनों की भी मेल फीमेल्स लेंगे, कल मंडी गए थे उनको सेल करके हम चले गए थे, बस हमने गर्मी बहुत थी इस वजह से, तो मैंने कह ली शेर को अगले चक्कर पे ये वाला और उसकी फीमेल्स लेंगे फैंसी में, ऐसे हो ऐसे फैंसी, और ये वाला बच्चा भी पता नहीं कौन सा है, नर है मादी है इसका कोई अता पता नहीं है, तो इंशाल्लाह कल लेंगे इसकी भी फीम, ये तो अभी बच्चा है, उन दोनों की लेंगे, तो वो बड़े हो गए ना, तो फैंसी लेंगे, देसी और फैंसी का जुगाड़ करेंगे, कैसे पता नहीं बच्चे निकलते हैं। तो इसकी फैमिली जो में से एक इसकी माँ जो है ना दाना खा के सीधा अपने अपना काम जो है इसके ज़िम्मे है, वो ही उधर जाके अंडे पे बैठ गई है, तो अभी वो बैठी रहे, तो उसके बाद ही इनको खोल देते हैं, मतलब अभी ये फिर नहीं, अभी नहीं, दाना वगैरह जो पड़ा है ना ये फिर खा जाएंगे इनके लिए। तो अब्दुलरहमान को मैं कह के जाता हूँ कि इनको खोल देना, तो फ़िलहाल इस वजह से दाना इधर पड़ा है, ये सारे उधर पिजन्स भाग गए, तो मैं इनको उधर ही भेजता हूँ, उधर जो ऊपर उड़ेगा तू भी मान, ये बेचारा बच्चा है ना इस वजह से तो इसको डर लगता है। अभी तीन तीन ये हैं, तीन दो 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 चार चार वो हैं, सात कबूतर मेरे पास आके बच गए हैं, सात, बाकी सारे मर गए हैं, कहीं बिल्ली खा गया, 20 थे मेरे पास टोटल, तो अभी सात आके बचे हैं। ये वाला बच्चा भी बैठा है डर के, मुझे मैं अगर इनको छोड़ के चला जाऊँ ना बाद में आऊँगा, मुझे नहीं पता यहाँ पर बिल्ली रहती है तो वो इधर आके हमला कर दे इनको खा जाए, एक और बच्चे को भी खा गई है उस दिन, वो बड़ा सा इसका भाई जो था, इस वजह से मैं नहीं छोड़ रहा इनको। तो मेरे ख्याल से अब इनको भी छोड़ देना चाहिए, ये देखिए मेरा जुगाड़ कैसे लगाता हूँ ताकि बिल्ली ना हमला ना करे, गेज को अच्छी तरह बंद करता हूँ ये देखें ये जूता भी रख दिया है, तो अभी इनको बैठ छोड़ देते हैं, माशाल्लाह सीधा गए दाने पे हैं, बस ये जा रहा है मेल, वो अंदर आके देखता हूँ, वो हो आए हाय 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 हाय, ये ले, तो माशाल्लाह ताज़े ताज़े गरम अंडे हैं, मेरे ख्याल से एक ये वाली के हैं, ये फैंसी और असील के हैं, उधर बाहर जाके दिखाता हूँ, ये वाला जो छोटा अंडा है ये उसका है वाइट मुर्गी का है, और ये वाला जो है इस ब्लैक का है, तो ये दो अंडे हैं, और जाके इनको रख देता हूँ अंदर, शाम को फिर देखें। तो इस बाउल में मैंने जगह बनाई है, अंडे रखता हूँ, तो डेली का एक दो अब्दुलरहमान ले जाता है खा जाता है, तो कम हो जाते हैं फिर से, फिर ज़्यादा हो जाते हैं, तो अभी इधर ही दो अंडे ये वाले भी रख देते, ये रख दिए, तो इधर ही अंडे, तो ऐसी मुर्गियां ना मेरे वारे की है जो डेली दो तीन अंडे दें, फिर वो ही अच्छी मुर्गियां होती हैं, अगर अंडे ना दे खाएं भी ना तो दे भी ना खाएं मुफ्त में तो वो अच्छा नहीं होता, तो इस वजह से मैंने दोनों तितरियाँ बेच दी हैं, वो कभी इधर से उड़ के उधर उधर उसे उधर वो दूसरों लोगों के घर चली जाती थी, तो इस वजह से और पकड़ने भी मुश्किल और बेइज्जती करवाती थी, तो इस वजह से अच्छा किया उनको बेच के, पारल शोर अच्छा करती थी इधर, तो मेरे पिंजन सारे उड़ के उधर उस साइड पे रोड वाली साइड पे जाके बैठ गए, तो अभी इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ठहरा इस वजह से हूँ ताकि बिल्ली ना आ जाए, तो अब्दुलरहमान के ज़िम्मे वगैरह लगा के जाता हूँ, इंशाल्लाह बिल्ली इनको नहीं करेगी, और ऐतल कुर्सी भी पाड़ के चला जाऊँगा, बिल्ली नहीं इनको कुछ कहेगी, तो देखिए है इतनी सी अंडा दे देती है इतना सा अपने वजूद जितना, तो ये खा पी लें दाने वगैरह, तो इनके लिए अंदर भी दाने खुले मतलब बिखरे पड़े हैं तो वो भी खा लिया करें, दाने लेके आया था पहले तो ख़त्म हो गए थे, अभी हैं पड़े इनके मतलब गुजारा इनके पीटने के लिए।
मेरे ख्याल से बच्चे को भी उड़ा देता हूँ। वो अंदर चला गया, मैंने कहा उड़ा देता हूँ अंदर। इधर ये वाली फीमेल ऐसे बैठी है, दे रहे अंडे दे रहे, तो मुझे ऐसे महसूस होता है नीचे इसके अंडे हैं, लेकिन है नहीं, देखता हूँ तो ये अपने काम पे बैठी है। तो इनको अभी छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, ये इधर छूटे रहे। तो दोस्तों आपको दिखा दिया आज का कुछ सीन ये था, तो आपसे लेता हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल मिनी दू को लाइक सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और वीडियो अपलोड करता हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे यार, क्या इसका पता नहीं, अल्लाह 40-50, पहले मेरे 300-250 लगातार आ रहे थे, अब जो है ना पता नहीं कैमरे का है या कोई यूट्यूब का इशू है, पता नहीं। अपलोड भी वैसे करता हूँ जैसे पहले करता था, लेकिन अभी नहीं आ रहे व्यूज़, अभी 40-25, 40-25, 50 इससे ऊपर नहीं जा रहे। तो आपसे दरख्वास्त है कि ज़रा वीडियो को थोड़ा ज़्यादा देखा करें, ताकि यूट्यूब को पता चले कि वाकई वीडियोस देख रहे हैं और ये अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है, तो इससे क्लिक थ्रू रेट भी ज़्यादा होगा, तो मेरी वीडियो SEO पे जाएंगी और लोग देखेंगे, लोगों तक पहुँचेंगी, तो वायरल होगी। आपका ही फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, डबल डबल। तो इस वजह से आप थोड़ा ज़्यादा देखा करें, मेरी दरख्वास्त है। तो आपसे लेता हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।